आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि उत्प्रेरक की दक्षता निर्भर करती है किस पे। ठीक है, यह हमें प्रश्न पूछा गया है। साथ में यहाँ पर हमें चार विकल्प दिया गया है, बताने की दोस्तों कौन सा विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में उत्प्रेरक की दक्षता के बारे में पूछा गया है कि यह किस पर निर्भर करती है। तो दोस्तों हम जानते हैं उत्प्रेरक की जो दक्षता है यह मुख्य तौर पे क्या है, यह हमारी मुख्य तौर पे उत्प्रेरक की क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। दोस्तों हम जानते हैं कि कौन सा उत्प्रेरक है जिसकी क्रियाशीलता अधिक होती है। हम जानते हैं कि जिस उत्प्रेरक में हमारे मुक्त संयोजकताओं की संख्या ज्यादा होती है, मुक्त संयोजकता की संख्या जितनी ज्यादा होती है, ठीक है, संख्या जितनी अधिक होती है ठीक है, उस उत्प्रेरक की दक्षता भी उतनी ज्यादा होती है। ठीक है, उस उत्प्रेरक की दक्षता अधिक होती है। ठीक है, और यही दोस्तों में प्रश्न पूछा गया था कि यह किस पर निर्भर करती है। तो हम कह सकते हैं कि यह मुख्य तौर पे मुक्त संयोजकताओं की संख्या पर निर्भर करती है। अब हम एक एक करके विकल्प देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है अणुभार पर, तो यह ऑप्शन गलत होगा। यहाँ पर दिया गया है मुक्त संयोजकताओं की संख्या पर। तो दोस्तों हमने देखा जितनी ज्यादा होगी हमारी मुक्त संयोजकताओं की संख्या, उतना ही हमारा उत्प्रेरक क्या होगा, अधिक दक्षता वाला होगा। तो ऑप्शन बी हमें बिल्कुल सही दिया गया है। यहाँ पर हमें दिया गया भौतिक अवस्था, तो यह गलत होगा। प्रयुक्त मात्रा पर बोला गया, तो ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत होगा। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।